चारों एमसीबी को मैं ऑन करता हूं यहां पर, चारों एमसीबी को मैं ऑन करता हूं, तो अब यहां पर चारों गिरेगी या फिर एक। रिटेलर्स और डीलर्स भाइयों के लिए बहुत ही शानदार ऐप लेके आए हैं, जहां आपको मिलेंगे आपकी दुकान के लिए सारे प्रोडक्ट, जैसे इन्वर्टर, बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और भी बहुत कुछ, यहां सब एक ही जगह पे मिलेंगे। सीधा ऑर्डर करो और सामान आपके दरवाजे तक, वो भी डिस्काउंट रेट पे। डाउनलोड कीजिए लॉक द डील ऐप, क्योंकि यह ही एनर्जी और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का अमेजोन है। यहाँ आपको मिलेंगे ब्रांडेड जैसे एक्साइड, ल्यूमिनस, लिवगार्ड, लिवफास्ट, एमरॉन और इलेक्ट्रिकल के बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे हैवेल्स, उषा, बजाज और भी बहुत सारे ब्रांड। फायदा सुनिए गाइस, बिल्क ऑर्डर पे डिस्काउंट क्रेडिट फैसिलिटी वारंटी के साथ 48 घंटे में आपको आपका ऑर्डर मिलेगा आपकी दुकान तक कंफर्म। किसी भी जानकारी के लिए डील्स, ऑफर, डिस्काउंट सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं। एक राज की बात बताऊं आपको, इस पे हर ट्यूजडे और थर्सडे मिलता है पैसा वसूल डील्स और होगा डिस्काउंट। खोलिए अपनी नई दुकान लॉक द डील ऐप से। डिस्क्रिप्शन में आपको इनके व्हाट्सएप नंबर और ऐप लिंक आपको मिल जाएगा गाइस, जल्दी कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है जो सिंगल पोल की एमसीबी होती है वो बेसिकली एक सिंगल ही होती है, लेकिन हम यहाँ पर 3-phase 4-pole की एमसीबी यूज़ ले रहे हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक न्यूट्रल कनेक्शन होता है और यहाँ पर 3-phase कनेक्शन होते हैं, यानी कि RYB कनेक्शन यहाँ पर कनेक्ट होता है और एक न्यूट्रल कनेक्ट होता है। सिंगल पोल की एमसीबी में आप सभी को पता है जब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है तो एक एमसीबी वो गिर जाती है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये चारों एमसीबी एक ही जुट में बनाई गई है, यानी कि एक ही सेट के अंदर चारों एमसीबियां सेट कर दी गई है। तो क्या कंपनी ने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि भाई एक न्यूट्रल के ऊपर अगर शॉर्ट सर्किट होता है तभी गिरनी चाहिए, बाकी ये तीनों फेज के अंदर कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा है, या फिर इन चारों एमसीबी के अंदर यानी कि इन चारों पोल के अंदर हमें शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है? जैसा मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने न्यूट्रल के ऊपर शॉर्ट सर्किट किया तब भी ये गिरनी चाहिए, आर के कनेक्शन के ऊपर शॉर्ट सर्किट किया तो ये गिरनी चाहिए, वाई के अंदर किया तो ये भी गिरनी चाहिए, और बी के कनेक्शन किया तो गिरनी चाहिए। मतलब इस तरीके का प्रोटेक्शन है या फिर सिंगल पोल के अंदर ही प्रोटेक्शन है। चलिए दोस्तों जानते हैं क्या सिंगल फेस में है या फिर तीनों फेज के अंदर और न्यूट्रल के अंदर भी हमें क्या ये प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर टेस्ट करने के लिए एक बैटरी का यूज़ ले रहे हैं जो कि 12 वोल्ट की बैटरी है। गाइस, इसमें कोई भी हमें खतरा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं 3-phase को शॉर्ट सर्किट करके दिखाता तो यहाँ पर काफ़ी डेंजरस होता और आपकी जान को खतरा भी हो सकता था। तो गाइस, इस तरह की चीज़ें आप लोग घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर अभी मैं स्विच ऑफ करता हूँ इसका, और यहाँ पर मैं एक वायर को यानी कि ऊपर वाले पोल के अंदर में एमसीबी को कनेक्ट करता हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पर एक ऊपर की साइड में कनेक्शन कर दिया है, अब इन दोनों को मैं शॉर्ट सर्किट करके देखने वाला हूँ और हमारी एमसीबी ट्रिपिंग करेगी या नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं ऑन पोजीशन में लाता हूँ। गाइस, इस तरह की चीज़ें आप लोग घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है, हो सकता है ये बैटरी ब्लास्ट भी हो जाए। तो मैं यहाँ पर इनके दोनों कैप हैं मैंने इनको ढीला कर दिया है ताकि ब्लास्टिंग से हम बच जाए, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि 3-phase के अंदर ऐसा सिचुएशन होता है या नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं टेस्ट करता हूँ। तो गाइस, जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक पोल के अंदर प्रोटेक्शन देखने को मिल गया है। अब देखते हैं सेकंड के अंदर हमें ये प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने सेकंड पोल के अंदर देख लिया, फर्स्ट पोल के अंदर ये सक्सेसफुली वर्क किया, सेकेंड पोल के अंदर हम चेक करना चाहेंगे, सेकेंड पोल के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिलती है। तो मैं ऑन पोजिशन पर करता हूँ और यहाँ पर टेस्टिंग। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेकंड पोल पर भी ये टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड पोल भी बेसिकली 100% वर्क कर चुका है। अब थर्ड पोल के अंदर भी हम देखना चाहेंगे। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं थर्ड पोल के अंदर भी हम चेक करने वाले हैं, तो थर्ड पोल को भी स्टार्ट करेंगे और थर्ड पोल के अंदर भी हम इसकी शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग करने वाले हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं थर्ड पोल के अंदर भी ये टेस्टिंग बिल्कुल 100% वर्क कर रही है। ये गाइस एमसीबी है या आइसोलेटर मत समझिएगा, इसे एमसीबी ही बोला जाता है। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं ये फोर्थ पोल के अंदर हमने कनेक्टिंग कर दिया है और फोर्थ पोल के अंदर हम इस तरीके से ऑन कर देंगे और यहाँ पर हम इसे शॉर्ट सर्किट चेक करते हैं।
तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों पोल यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर न्यूट्रल के अंदर अगर शॉर्ट सर्किट होता है या फिर तीनों फेस में से किसी भी एक फेस के अंदर अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये वर्क करेगी गाइस, 100% वर्क करेगी। गाइस इसके एक और ख़ास बात बताऊँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके मैंने यहाँ पर जो इसका स्टैंड होता है जिसकी मदद से चारों एमसीबियां एक साथ गिरती है यहाँ पर, अब नहीं गिरेगी। अब यहाँ पर मैं एक एक करके यहाँ से नीचे गिरा सकता हूँ। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूँगा कि गाइस जैसे मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हुआ एक एमसीबी पर, तो क्या अब इस कंडीशन में ये चारों गिरेंगी या फिर इसकी मदद से ये चारों गिरती थी, तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑन पोजिशन पर कर दिया और चारों एमसीबी को जैसे आप यहाँ पर नज़र कर सकते हैं कि यहाँ पर एक एक करके ये एमसीबी ऑन हो रही है, लेकिन अब शॉर्ट सर्किट पे एक ही होगी या फिर अलग अलग होगी, तो ये भी जान लीजिए यहाँ पर। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि चारों एमसीबियां नीचे गिर गई। इसका मतलब ये होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑन करने के लिए ही होता है, यानी कि आपको ऑन करने के लिए एमसीबी को यहाँ पर यह सहारा मिलता है कि चारों एमसीबियां एक साथ ऑन कर सकते हैं। आप इसको हटा करके सिंगल पीस भी यूज़ ले सकते हैं इस तरीके से। इसका मतलब इस एमसीबी के अंदर काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है, यानी कि काफ़ी अच्छा काम किया गया है। अब मैं फ्रंट वाला यानी कि शुरू वाला एमसीबी ये जो न्यूट्रल वाला साइड होता है इसके अंदर भी मैं इसी तरीके से कर दूंगा। अब गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये मैंने फ्रंट वाले पोल पे लगा दिया है, चारों एमसीबी को मैं ऑन करता हूँ यहाँ पर, चारों एमसीबी को मैं ऑन करता हूँ, तो अब यहाँ पर चारों गिरेगी या फिर एक। तो अब गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सेटलमेंट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको हम ये चारों गिरेगी या फिर एक। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों एमसीबी गिर चुकी है, लेकिन गाइस मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देना चाहूँगा कि आपको ये कवर बिल्कुल भी नहीं हटाना है, क्योंकि इसका मतलब ये हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है ये चारों गिरे, कोई भरोसा नहीं है कि ये चारों एमसीबी गिरेंगी ही गिरेंगी। आपकी ये दो एमसीबी भी गिर सकती है या फिर तीन भी गिर सकती है या फिर एक ही गिर सकती है, ऐसा हो सकता है। तो आपको ये कवर बिल्कुल भी यहाँ से रिमूव नहीं करना है, आपको ये कवर बिल्कुल लगाए रखना है ताकि मान लीजिए कोई अंदर से एमसीबी के अंदर से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये इसके सहारे यानी कि ये जो कनेक्टिंग है इसके सहारे ये चारों एक साथ नीचे गिर जाए। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं कि काफ़ी सारी एमसीबीज होती है जिसके अंदर सिर्फ न्यूट्रल के अंदर ही प्रोटेक्शन होता है, वो लोकल वाली एमसीबी होती है। हम 200 400 रुपए में अगर हमें कम खर्चा करना होता है तो हम क्या करते हैं कि सस्ती वाली लेके आ जाते हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ न्यूट्रल के अंदर प्रोटेक्शन होता है, लेकिन वो हाई क्वालिटी का प्रोटेक्शन नहीं होता है। उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होगा तब जाके वो ट्रिप करेगी, लेकिन इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल ट्रिप के अंदर ही गिर जा रही है। ये ऑन करने में भी काफ़ी भारीपन जैसा महसूस होता है और ऑफ़ करने में भी काफ़ी भारीपन जैसा महसूस होता है गाइस। तो गाइस अगर आप आइसोलेटर एमसीबी या फिर आईएससीबी या कुछ भी लगा रहे हो तो हाई क्वालिटी की और ब्रांडेड कंपनी की ही लगाएं, जिससे क्या होगा कि आपके घर का जो भी लोड है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा और जो भी प्रोटेक्शन यानी कि शॉर्ट सर्किट जो भी प्रोटेक्शन होगा वो आपके घर के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से होगा। तो चलिए गाइस हम चलते हैं।